हेलो गाइस, वेलकम बैक. दिस इज़ जानवी मेहरा विद यू. और आज हम वी के अनदर यूज़ के बारे में बात करेंगे. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट फॉर्म के बारे में बताया था वी की, और पास्ट फॉर्म के बारे में बताया था. आज हम वी का यूज़ देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पर किसी को कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई कमांड दी जाती है, या फिर कुछ रिक्वेस्ट की जाती है. मैंने किसी को एक ऑर्डर दिया है कि आप खड़े हो. तो यहाँ पर बी का कैसे यूज़ होगा, चलिए पहले एग्जांपल पे देखते हैं हम. बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बनो. बी का यूज़ यहाँ पर क्यों हो रहा है? बनने के लिए हो रहा है, होने के लिए यूज़ हो रहा है. जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बी का मतलब होता है होना या बनना. तो बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बनो. बी ह्यूमन, इंसान बनो. बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग हो. तो ये होते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. और एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं. बी कॉशियस, सावधान रहो. बी काइंड, काइंड बनो, काइंड रहो, काइंड हो. बी माई फ्रेंड, आप मेरे फ्रेंड बनो. बनो, आप सेंस देखिए यहाँ पर, बनने का या होने का सेंस होगा हमेशा बी के साथ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में. यहाँ पर सिर्फ आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं. बी स्टिल, बी स्टिल क्या होता है कि एकदम सीधे रहो, हिलो डुलो नहीं. जैसे कोई कैमरा के सामने है, जैसे मैं हूँ कैमरा के सामने, या फिर आप किसी की फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो आप उनसे बोलेंगे बी स्टिल, स्टिल रहो, स्टिल बनो, स्टिल हो. तो दैट इज बी स्टिल. अब हम इनकी नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं. तो इनको अगर हम नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, नेगेटिव क्या होता है? अब जहाँ पर नॉट आ जाता है, ना आ जाता है, नहीं आ जाता है. जैसे बी ऑनेस्ट का हो गया, डोंट बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मत बनो, ऑनेस्ट मत रहो. फिर डोंट बी स्टिल, स्टिल मत रहो, स्टिल मत बनो. ऐसे ही हम एक सेंटेंस बोलते हैं बहुत ज़्यादा, लेट इट बी, लेट इट गो, कि जाने दो, उसे जाने दो, इसे जाने दो, कि होने दो जो हो गया, लेट इट बी, रहने दो. लेट इट बी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जाने दीजिए. अब इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? इसका नेगेटिव फॉर्म सोचिए क्या होगा. लेट इट बी, क्या हम इसे बोलेंगे डोंट लेट इट बी? हाँ, ये एकदम सही है, हम इसे बोल सकते हैं डोंट लेट इट बी, और या फिर हम इसे बोल सकते हैं लेट इट नॉट बी. तो आज हमने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बताया है कि उनमें बी का यूज़ कैसे होता है, और साथ ही साथ उनके नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताया है. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू ऑल एंड लव यू ऑल.